नमस्कार, आमर ओडिशा को स्वागत करुछि। लक्ष्मी नारायण आसपा संपूर्ण खबर को बुलेटिन आरंभ करिबा। देशर कोरोना स्थिति संपर्कित खबर रु देश में पुणि थरे कोरोनार दैनिक संक्रमण टपिला 4 लाख। संक्रमण सर्वकालीन रेकर्ड सृष्टि कला कोरोना। गत 24 घंटे 4,12,262 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होती। यह सहित 3,980 जन जीवन नहीं किलर भाइरस। April 30 में दैनिक संक्रमण 4,02,014 थिला। से दिन 3,525 जन जीवन जाइथिला। आज पुणि थरे 4 लाख पार करिछि दैनिक संक्रमण मामला। एहाकु मिसै द्वितीय थर पई दैनिक संक्रमण 4 लाख पार करिछि। देशरे मोट मृत्यु संख्या पहुंचिछि 2,30,168। एथिसहित देशरे मोट आक्रांतक संख्या 2,10,77,410 को वृद्धि पाइछि। गत 24 घंटे 3,29,113 आक्रांत सुस्थ होते। देश में पुणि कोरोनार दैनिक संक्रमण 4 लाख टपिला। संक्रमण सर्वकालीन रेकर्ड सृष्टि करिछि कोरोना। गत 24 घंटे 4,12,162 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होती। तेरे यह पूर्व 30 एप्रिल 4 लाख पार कर दैनिक संक्रमण मामला एवं आज पुणी थे 4 लाख पार हो दैनिक संक्रमण रही। 24 घंटा मध्य 4,12,262 यहाँ मिसाई जी कह देशर विभिन्न राज्य में स्थिति संगीन होबार लगी। यदि महाराष्ट्र कथा कहे महाराष्ट्र में गत 24 घंटे 57,640 आक्रांत चिन्हट होती। आखि बुझी 920 जन से कर्णाटक 50,112 जन आक्रांत चिन्हट होता बेले 346 जन प्राण हर। केरल 41,953 जन पॉजिटिव बाहरी बेले 58 जन मृत्यु हो। उत्तर प्रदेश में 31,111 आक्रांत होता बेले 353 जन प्राण हर। तमिलनाडु 23,310 जन आक्रांत होती प्राण हर 167 जन। आंध्रप्रदेश में 22,204 जन आक्रांत बाहरी प्राण हर 85 जन। दिल्ली कथा कहे दिल्ली में 20,960 पॉजिटिव बाहरी गत 24 घंटा मध्य प्राण हर 311 जन। पड़ोसी पश्चिमबंग में जी कह 18,102 आक्रांत चिन्हट होती 103 जन मृत्यु होती। से राजस्थान में 16,815 आक्रांत 155 जन प्राण हर। छत्तीसगढ़ में 15,157 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले प्राण हर 253 जन। मोटामोटी कह देशर अनेक राज्य में बर्तमान जी कह पॉजिटिव मामला जमी बढ़ी बढ़ी जा मृत्यु मामला से भाव में बढ़ी बढ़ी जा सब चिंता प्रकट कर महाराष्ट्र कोरोना स्थिति। कोरोनार द्वितीय लहर सारा देश में खेलाई आतंक। प्रतिदिन आक्रांतों संख्या द्रुत गति में बढ़िबार लगी। देशर मैथमेटिकल मेडिकल एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर कहते कोरोनार द्वितीय लहर में दैनिक संक्रमण मे 7 तारीख में सबुठ शीर्ष छुईब। एथपाय केन्द्र स्वास्थ्य विभाग संपूर्ण सजग रहा दरकार। एक गणमाध्यम को साक्षात्कार प्रोफेसर विद्यासागर कहते सप्ताह कोरोना तार असल रूप देखा। यहपर कोरोना संक्रमण ह्रास पाइब। अधिकांश राज्य में संक्रमित संख्या धीरे धीरे ह्रास पाइब। ते विभिन्न राज्य में कोरोना संक्रमण शीर्षे पहुंचा समय मध्य अलग अलग हो पारे। जेहेतु कोरोना द्वितीय लहर संक्रमण प्रथम महाराष्ट्र आरंभ होता तेणु महाराष्ट्र में प्रथम शीर्ष छुईब संक्रमण आ शीर्ष छुईवा पर संक्रमण द्रुतगति में ह्रास पाइब। मे मस पर संक्रमण ह्रास पाइब बोली प्रोफेसर विद्यासागर आकलन कर। राज्य में पुणि उठिला कोरोना ग्राफ। किसी दिन 8,000 ऊपर रहा पुणि दैनिक संक्रमण डे जा 10,000 ऊपर को। गत 24 घंटा भितर दैनिक संक्रमण 10,521 हो। क्वारंटाइन रु 5,945 पॉजिटिव बाहरी। 24 घंटे किलर भाइरस नहीं 17 जन जीवन। यह मिसाई मोट आक्रांतों संख्या
पांच लक्ष टपि जाता बेले सुस्थ हार रही 83.25%। ए पर्यंत मोट 416,403 जन सुस्थ होते। दैनिक संक्रमण में पुणि खोर्धा को नहीं बढ़ी चिंता। खोर्धार सर्वाधिक 1,477 पॉजिटिव बाहरी बेले सुंदरगढ़ बाहरी 1,186 पॉजिटिव। सेपरी कटकु 963 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले कलाहांडी 571, बरगढ़ 543, संबलपुर 460, नवरंगपुर 404, अनुगुल 388, जाजपुर 373, बलांगीर 314, झारसुगुड़ 314, पुरी 319, नुआपड़ 304 पॉजिटिव चिन्हट होते। सेपरी मयूरभंज 288, बौद्ध 250, नयागढ़ 224, जगत सिंहपुर 217 आक्रांत चिन्हट होता बेले गंजाम 196, केन्दुझर 194, कोरापुट 182, भद्रक 158 पॉजिटिव चिन्हट होते। रायगढ़ 140, केन्द्रापड़ 121, गजपति 113, सोनपुर 112, बालेश्वर 97, देवगढ़ 88, ढेंकानाल 88 पॉजिटिव चिन्हट होते। मालकानगिरी 83, कंधमाल 72 आक्रांत बाहरी मिशे मोट आक्रांत संख्या 500,000 टपि जाता बेले सुस्थ हार रही 83.25%। ए पर्यंत मोट 416,403 जन सुस्थ होते। राज्य में आउ 17 जन जीवन नहीं महामारी। मोट कोरोना मृत्यु संख्या 2,121 को वृद्धि पाई। खोर्धार सर्वाधिक 4 जन कोरोन मृत्यु हो। खोर्धार 4 मृतकों मधु 3 जन होती भुवनेश्वर। से बालेश्वर 2 और मालकानगिरी 2 जन जीवन नहीं किलर भाइरस कोरोना। बौद्ध, देवगढ़, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, कलाहांडी, नयागढ़, रायगढ़, संबलपुर और सुंदरगढ़ जड़े लेखाएं कोरोना आक्रांत प्राण हर। बढ़ुच्च कोरोना मामला एपटे राज्य में 14-दिनिया लॉकडाउन मध्य जारी रही। तेज संपर्कित खबर देखा कि विरती पर ब्रेक रु स्वागत। राज्य में जारी रही 14-दिनिया लॉकडाउन आज हूँ द्वितीय दिन और आसंता 19 तारीख पर्यंत जारी रहा कटक। अत्यावश्यक सेवा को छाड़ बाकी सब बंद रही। सका 6-12 पर्यंत खोला रही। पर क्षीर मछ मंस और तेजराती दुकान दुकान अजथा भिड़ नक कह लोकमाने केवळ सामाजिक दूरता रक्षा करिवे एथिपाई विभिन्न परिवा बाजार को भाग भाग करा जायछे। व्यवसायी माने छाड़ी छाड़ी दुकान खोली। सेपटे विभिन्न स्थान रे पुलिस पक्षर जांच कड़ाकड़ी करा जायछे। राजधानी रे जगिछंती 22 प्लाटून फोर्स। अमान्यांक उपरे नजर रखिछंती 150 रु अधिक वरिष्ठ अधिकारी। 45 टी स्थान रे चेकपोस्ट मध्य करा जायछे। जरूरी सेवा रे नियोजित कर्मचारी माने निजर परिचय पत्र देखाई जीवा आसीबा करूछंती। जो माने बिना कारण रे बुलुछंती सेमानक ठारु फाइन आदाय करा जाउछे। आमे अच्छु भुवनेश्वर पुराणा हाट कहले चले बड़गड़ हाट में। विशेषकर जिते बड़ा हाट बजार उपर पुलिस नजर रही। बीएमसी बीडी और पुलिस एनफोर्समेंट टीम बर्तमान विभिन्न स्थान को जाऊँच चढ़ऊ कर विशेषकर मोटामोटी भाव में कहीपर करोना आक्रांत संख्या बढ़ी थे दृष्टिकोण बर्तमान सबूत गुरुत्व मन कर बजार और हाट दिन 12 जाए जेहतु बर्तमान हाट बजार खुलू तेणु से दृष्टिकोण जो देखिए मोटामोटी भाव में भुवन राज्य में बर्तमान 10,521 बर्तमान करोना आक्रांत संख्या बर्तन चिन्हट हो पॉजिटिव चिन्हट हो प्रतिटा नमस्कार जानापी चाहिए जो गोलई कटा जाए लोक मैंने डिस्टान्स मेन्टेन करुँचर आहरी सचेतनतार आवश्यकता रही कि कारण बहुत स्थान में गहली हो हाट बजार गहली होमान्या पुलिस नजर रखे कौन कहे सर लोक मैंने जिते बुझेला भी लोक मैंने सचेतन नुहत कारण देखिए पुलिस वाला होट कि मास्क पिंधे देखिए मीडिया वाला मास्कटा पिंधे कितु लोक निज मन भितर सचेतन नुहत से माने रोग से पड़े ही जानवे ये रोगटा केते मारात्मक सेकेंड लहरीटा केते मारात्मक से पड़गले रोग से जापर ना एमती जिते कहले भी से लोक किसी बुझे बर्तमान जब कह एनफोर्समेंट टीम बर्तमान मिलित चढ़ाऊ विभिन्न स्थान में भितर पुलिस का कठोर हार आवश्यकता अच्छी हाँ निश्चित पुलिस कठोर ना रेट आलु देखु 15 टाँह लॉकडाउन पूर्व बर्तमान 22 टाँह 22 टाँह 25 टाँह ये सब रेट पर रेट जहाँ अच्छी गोटे प्रकार ठीक अच्छे कि आलु पिज रेटा हुई बढ़े दूसरे ये हूँ कथ सर कौटिना कौटी व्यवसायी हूँ ग्राहक हूँ
ठीक रे लोक माने मास्क पिंधुनांती आपण जांकर अवहेला जदि मास्क न पिंधुचंती ते रोगरे पडिवे सेति पय के दादा आपण सतर्क करया ता सरकार सतर्क करचोनी से माने जदि एते अवहेला करचोनी एते भोगिवे से माने भोगिवे तेनु लोक सचेतन होवा जरे सरकार कोन भूल करचंती रोग भोगियो किए लोक भोगिवे मार्केट रे चित्र मध्ये देखेबो कारण पूर्व अपेक्षा गहळी नाही कारण पूर्व दिन मानकर जे उठेबो गहळी रुहे तेनु गहळी एबे धीरे धीरे कमुची कारण जेतेबो लोक माने निज घर को तीन चार दिन परिपत्र नहीं जाती तेरे से दृष्टिकोण मार्केट में विशेष भाव आज गहली ना कि जदि काँ भाँ गहली रही भितर विभिन्न स्थान में बर्तमान पुलिस और बीडीए बीएमसी मिलित भाव में एनफोर्समेंट टीम विभिन्न स्थान को जाते बड़े करोना आक्रांत संख्या बढ़ुच्चे बर्तमान सबुठ डेंजर जोन हॉटस्पॉट हो जाए भुवनेश्वर तेनाली से दृष्टिकोण सब स्थान में चढ़ाव कराऊँ अधिक रु अधिक लोक मैंने आवार होगा उचित कारण जिते बड़े करोना महामारी आ मुकबिला करने समस्त सचेतन होगा उचित भुवनेश्वर कैमरा पर्सन गौरप्रसाद राजगुरु सुमंत सुंदराय मीडिया। कलाहांडी जिले में भी आज लॉकडाउन जारी रही। जिला प्रशासन पक्षर भवानीपाटना धर्मगढ़ जूनागढ़ केसींगा और अन्य अंचल एने व्यापक व्यवस्था कर प्रमुख सहर छक जगार स्वतंत्र चेकपोस्ट व्यवस्था कर सबु अंचल पुलिस कड़ा नजर रखी। सका छु अपराह बारटा पर्यंत केवल अत्यावश्यक सामग्री दुकान खोला जाइथिबा बेले बाकी दुकान बाजार को बंद करा जाइछि। गाड़ी मोटर चलाचल संपूर्ण भाव बंद रही। बिना कामरे बाहर को बाहर अमानिया को पुलिस अटकाई चेतावनी देउथिबा देखिबा को मिलिछि। वर्तमान देखिबा कलाहांडीर कौन रही चित्र एने अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी होती अंशुमान पात्र आम प्रतिनिधि। अंशुमान देखु द्वितीय दिन में आप कौन रही कलाहांडीर चित्र? देखो लक्ष्मी जदि कह कि कलाहांडी जिले में व्यापक व्यवस्था करमती जेहेतु जिले में संक्रमण धीरे धीरे बढ़वे लगी आज जमी करवा कि 500 पार हो जाती ये लॉकडाउन को पूरा कड़ाकड़ी कर जेहेतु ये पाखे रही छत्तीसगढ़ बोर्डर रही जो ठिया होती धर्मगढ़ चारिछक यहाँ हूँ आप सीधा चित्र देखि पार्थे कि यही रास्ता छत्तीसगढ़ रायपुर को संजोग करें मान एटी व्यापक व्यवस्था करें कह कि बोर्डर जो रही छत्तीसगढ़ बोर्डर मध्य व्यापक व्यवस्था करो छक रही यहाँ हूँ धर्मगढ़ सहर प्रमुख छक तो सीधा सड़क चित्र देखि पार्थे कि पुलिस कड़ा पहरा रही तेब सीधा सड़क किसी प्रतिक्रिया ना आम आम सागर अच्छा डीएसपी रही धीरज चौबदार जी कि जाकर कि प्रत्येक तत्वधान में यह सब अरेंजमेंट कर सर स्वागत करी न्यूज एटीन सर कौन कहे कौन सब अरेंजमेंट कर थैंक यू। धर्मगढ़ बॉर्डर प्राय कोरोना गोटे एंट्री गेट होगा प्रतिदिन 500-600 रिपोर्ट होता तो यही थर लॉकडाउन को पूरा स्ट्रिक्ट कराई एटा हूँ धर्मगढ़ चारिछक या आगु ये छक प्राय हजार हजार लोक सबुदिन सबु समय प्राय था किंतु एबे सबु रास्ता को बंद कराई आ खाली जोटा शेड्यूल वेहिकल किंबा अर्जेंट मेडिकल केयर लोक मानक छड़ा। सर जमी कह कहला कि कलाहांडी जेहेतु छत्तीसगढ़ लिंक कहला आ छत्तीसगढ़ जेहेतु एक 4 किलोमीटर पर छत्तीसगढ़ बोर्डर रही तो बोर्डर में जो चेकिंग चलती ता व्यतीत जो गला बाट अच्छी गला बाट पाई कौन सब व्यवस्था कर पुलिस पक्ष गला बाट गोटे अच्छी तीन टा चार रास्तार आसिक परलारे से रास्ता मिशुची से जगार भी जो फोर व्हीलर वेहिकल गुड़ा सब आसूला ताको भी चेकिंग करा जाउछि एक्सेप्ट मेडिकल अर्जेंट मेडिकल केयर बाकी सब गाड़ी अटके फेरी दिखाई से प्राय वर्तमान धर्मगढ़ स्थिति ठीक अच्छे। तो लक्ष्मी सीधा सड़क शुणुले आम डीएसपी सांगे कथा कि जो गलावाट रही छत्तीसगढ़ बोर्डर को सेठी व्यापक व्यवस्था कर चित्र देखा चाहूँगी जे जमी समस्त प्रकार गाड़ी मोटर आसूसी आपड़ मैंने सीधा सड़क चित्र देख पार्थे कौन सी गाड़ी को छड़ा जाऊनी जे गाड़ी अंशुमान कहीपर जो कलाहांडी बर्तमान जी कह पुलिस प्रशासन सजग हो रही जो भाव में गलावाट रही पड़ोसी छत्तीसगढ़ गलावाट रही सजग रही प्रशासन धन्यवाद अंशुमान अधिक सूचना पाई। एपटे पुरी में थमुना कोरोनार द्वितीय लहर श्रीमंदिर भी कोरोना संक्रमण भय एवं सुधा 151 पहुंचला सेवायत और कर्मचारी पॉजिटिव संख्या एमं मधु केवल सेवायत
104 ଜଣ ଥିବାବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 47। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ପୁରୀର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଯଦି କହିବା ତେବେ ଏଯାବତ୍ ପୁରୀରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 3000 ଉପରେ ଟପିଲାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେବାୟତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 104 ପହଞ୍ଚଣି। ଏପଟେ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ କିଭଳି ପୁରୀରେ କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ଆଗକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯଦି କହିବା ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ପଡ଼ିଲାଣି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯାଉଛି? ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ତ ମାନେ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ରହୁଛି, ବଟ୍ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଭଲନେରେବଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସିମିଲାର୍ଲି ଆମର ଯେଉଁ ସେବାୟତ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋଜର ରହୁଛି, ଭଲନେରେବିଲିଟି ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଉଛୁ। ମେଡିକାଲ ହେବା କଥା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ, ତା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟପଳ ମେଡିକାଲ, ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି? ପ୍ରାୟ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର PPP ମୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ 3-4 ଦିନରେ ତାକୁ ଫଙ୍କସନାଲ କରିଦେବୁ। ସିମିଲାର୍ଲି ଆମର CCC ବି ଗୁଡ଼ାଏ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 1000 ବେଡ୍ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 300 ବେଡ୍ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ସ ବି ରହୁଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରେସିଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଅନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି। ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କିଛି ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାର କାମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଟିକାକରଣଟା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିବ? 18 ଉପରୁ କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ? 45 ଲୋକ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ କେମିତି ପାଇବେ, ସେ ଟିକେ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି? ନାଇଁ, ଆମର ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ତ ଟିକେ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ତାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭଲନେରେବଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ କି ଏଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ପୁରୀରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ CDMO ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁରୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫାସିଲିଟି ସେ ଜାଣିବା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ କହିବେ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ସୁଧାର ହୋଇଛି, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି? କ'ଣ କହିଲେ? ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେତେ ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଇସିୟୁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲାଣି, ଏବଂ ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାଣି? ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ଏବେ ଆମେ 8 CCC କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ଆଉ 2 CCC କାଲି ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଛି। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଟଅପ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣପୁର କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟା କଣାସ ଡେଲାଙ୍ଗ ପାଇଁ, ପିପିଲି ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ କଲେଜକୁ କରାହେଇଛି। ବେଡ୍ 88 ଯେଉଁ ଗୋଟାକରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟାକରେ 70 ପାଖାପାଖି ବେଡ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ରେଡ଼ିନେସ୍ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ଅଛି, ଡେଲାଙ୍ଗ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସ କଲେଜକୁ ବି ରେଡ଼ି କରୁଛୁ 200 ବେଡ୍ର। ମୋର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ IDHର 130 ବେଡ୍ ଅଛି, ଆଉ 15 ICU ଅଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 90% କେସ୍ ଡେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛି ବେଡ୍। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଜୁମ୍ବୋ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ICU ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଆମେ ସବୁଦିନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଥରେ ଦୁଇଥର ନେଇକି ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଆଣୁଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ, ଆଶା କରାଯାଉଛି କେସ୍ ଏଇସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ପରେ କମିବ, କମିଲେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବା। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କିଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିବ? ନା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ ଏବେ ଯାହା ପାଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖିଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଆଗ ଦେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଆଗ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଦେବାର ଇଏ କରିବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ସମସ୍ତେ। ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ତାଜା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। କରୋନା କାଳରେ ରାଉରକେଲାରେ କଳାବଜାରୀ, ଲକ୍ଡାଉନରେ କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ଚଢ଼ଉ କରିଛି RMC। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ RMC ର 10 ଟିମ୍ ସହରର ଅସାଧୁ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସୂଚୀପତ୍ର ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛି ଏବଂ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ କମ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି।
कोरोना काल राउरकेलार कलाबजारी लकडाउन कलाबजारी होतुबारो चढ़ऊ करिछि आरएमसी खाद्य जोगान विभाग और आरएमसी 10 टीम सहर असाधु बेपारी चढ़ऊ कर कार्यानुष्ठान ए संपर्क में अधिक सूचना पाई शुभम प्रधान रही राउरकेला प्रतिनिधि। शुभम देखंतु वर्तमान कोरोना समय समाज सहयोग करिबा कथा किंतु कलाबजारी बढ़ी राउरकेला कौन रही अपडेट खबर एवं चढ़ऊ केत बाट गला देखु लक्ष्मी नारायण मुझे आम राउरकेला सहर अदी कथ कह गत किसी दिन आमे आरएमसी रो कमिश्नर थे प्रतिक्रिया से कोरोना काल में महामारी कोरोना जो भाव में समग्र देश में काया विस्तार कर चलती विशेषकर जी राउरकेला सहर अदी कथ आज आम कह राउरकेला सहर दिनक दिन कला कारबार दिनक दिन वृद्धि पाता बेले आरएमसी पक्षर राउरकेला सहर विभिन्न अंचल विशेषकर डेली मार्केट कथा कहतु ट्राफिकेट कथा कहतु आंबेडकर छक कथा कहतु जो भाव में जो गोडाउन रही जो सब व्यवसाय मानने क्षुद्र व्यवसाय आणिक बेपार कर सहर अभोग होता कि दिनक दिन कला बजारी वृद्धि पा लगी दृष्टि रखी आरएमसी पक्षर 10 टीम गठन करा जाइथला आज आम जहां आपको स्क्रीन माध्यम देखी पारे गत दुई दिन है कला बजारी जो सहर से बढ़ी चलती रोकवाई आरएमसी पक्षर 10 टीम गठन कराई स्वतंत्र यह सहित खाद्य जोगाण अधिकारी घटनास्थल जो गोडाउन अच्छी आलू गोदाम कथा कहतु पिज गोदाम कथा कहतु से गोदाम कि भाव में कला बजारी न हो पार विभिन्न विभिन्न पदक्षेप ने सहित जो मैंने असाधु व्यवसायी अच्छा विरुद्ध दृढ़ कार्यानुषान शुभम केंचल आरएमसी टीम चढ़ऊ करा दुकान को बर्तमान तागिद कले कि खबर अच्छी देखु लक्ष्मी नारायण मुझे सूचना देखा चाहती गत दी दिन रु कला बजारी जो सहर से बढ़ी चलती दृष्टि रखी आरएमसी पक्षर दुई दिन विभिन्न सहर कथा कहु सहर डेली मार्केट कथा कहतु ट्राफिकेट कथा कहतु जो सब भाव में गोडाउन जो रही पिज गोडाउन आलू गोडाउन जो सब राशन सामग्री आणुचन जो क्षुद्र व्यवसायी बिक्री कर सब गोडाउन जो अंचल रही विभिन्न सहर जो सब रही जगह एवं कहीपर आरएमसी पक्षर जो 10 टीम गठन कराई सहित खाद्य जोगाण अधिकार किसी उच्च अधिकारी घटनास्थल को जादर्शन कर शुभम कहीपर जो राउरकेला सहर जो जो अंचल गोडाउन गुड़िक रही से ही स्थान गुड़ी चढ़ऊ करुच्ची आरएमसी 10 टीम एवं जो भी भाव में कला बजारी होता अभियोग आसूला यहाँ पदक्षेप ने प्रशासन धन्यवाद शुभम अधिक सूचना पाई। समय सर बुलेटिन के रखुचो नमस्कार।